चटपटे स्नैक्स सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि ना हम घर से बाहर जा सकते हैं, ना बाहर से कुछ ऑर्डर कर पा रहे हैं, तो सब लोग यही सोचते हैं कि कुछ घर पर ही बना लिया जाए। लेकिन अगर वो बनाने का तरीका बहुत आसान हो तो सोने पे सुहागा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जूही परमार एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं एक ऐसी ही बहुत आसान 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, माइक्रोवेव ठोकला। माइक्रोवेव करेगा अपना काम, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं ढोकला। ढोकला बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप बेसन, 1/2 कप दही, 2 चम्मच सूजी, हल्दी पाउडर, नमक, शक्कर और 1 चम्मच किसा हुआ अदरक और थोड़ा सा तेल। एक बोल में पहले बेसन डालिए, फिर उसमें दही ऐड कीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। एक साथ पानी नहीं डालेंगे वरना लंप्स हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर थोड़ा पानी और डालिए और वापस मिक्स कीजिए। देखिए कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब थोड़ा सा और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक ऐड कीजिए, हल्दी पाउडर, अदरक और शक्कर, सूजी भी इसी वक्त डाल दीजिए और वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब अगर आपको लगे कि वापस कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे फिर से थोड़ा पतला कर लीजिए। ये देखिए इतना पतला हमें चाहिए। अब इस स्टेज पर ऑयल मिक्स करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए बैटर तो रेडी हो गया है। अब हम एक माइक्रोवेवेबल डिश लेंगे और उसे थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लीजिए। अब 1 टीस्पून इनो लीजिए और उसे जो ढोकले का बैटर है उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इनो डालने के बाद हमें बैटर रखना नहीं है, इसलिए हमने पहले ही जो डिश है उसे रेडी करके रखा था ग्रीस करके। अब हम बस ये बैटर लेकर उस डिश में पोर कर लेंगे। इनो डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं वरना बैटर फूलने लगता है, इसीलिए हमने इस डिश को पहले से रेडी कर लिया था। ध्यान रखिएगा कि बैटर सिर्फ हाफ लेवल तक ही डालें, क्योंकि जब हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे तो ये फूलकर ऊपर आ जाएगा। अब हम इसे 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। अब जब तक हमारा ढोकला माइक्रोवेव में तैयार हो रहा है, चलिए फटाफट से टेम्परिंग भी रेडी कर लेते हैं। एक पैन लीजिए, उसमें 1 चम्मच तेल लीजिए, राई डालिए और राई को अच्छे से तड़कने दें ताकि राई कच्ची ना हो। फिर हींग डालिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें स्लिट की हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और कड़ी पत्ता डाल के इसे भी मिक्स कर लीजिए। मैंने इसे तकरीबन 30-40 सेकेंड्स तक इस तरह से चलाया है। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक और शक्कर मिक्स कीजिए और अब पानी में उबाल आने दीजिए। उबाल आके कुछ 1-2 मिनट हो गए हैं तो ये तैयार है
गैस बंद कर दीजिए और चलिए ढोकला चेक कर लेते हैं। ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं और ढोकला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे कट कर लीजिए। और ऊपर से जो हमने टेम्परिंग तैयार की थी उसे डाल दीजिए। ये जो पानी है ये अच्छी तरह से अंदर चला जाए ढोकले में, इस तरीके से डालिए। और देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल तैयार है। अब चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक पीस उठाकर देखते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए है ना एकदम सॉफ्ट। अब चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं। इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी टेस्टी। बाजार के ढोकले आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आज शाम के स्नैक्स में यही खाइएगा और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा।